छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में है। अब की बार आंदोलन समर्थन मूल्य में चना खरीदी की मांग को लेकर होगा। आंदोलन के पहले किसानों ने राज्य सरकार को एक चेतावनी दे दी है। किसान संघ ने कहा कि सरकार घोषणा पत्र के अनुसार 4,700 रुपए समर्थन मूल्य में चना खरीदी के वादा को पूरा करे। सरकार को वादा याद दिलाने 25 अप्रैल को सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अगर 10 दिनों के भीतर सरकार ने मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो 5 मई को जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर चना खरीदी को लेकर के छत्तीसगढ़ के किसान पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार भी अपने जन घोषणा पत्र में 4,700 रुपये में चना खरीदी का वादा करके सत्ता में आई है। आज हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल समर्थन मूल्य पर चना खरीदी चालू करें। इसीलिए हमने नारा दिया है कि चना खरीदो भूपेश बघेल, वरना हम भर देंगे। वही किसानों के आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी चना समर्थन पर किसानों को साथ देने की बात कही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणा के साथ सत्ता में आई तो है, लेकिन अब तक अधूरे वादे ही पूरे किए हैं, जिसे लेकर जनता में आक्रोश की स्थिति देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने आम जनता को छलने का आरोप कांग्रेस की राज्य सरकार पर लगाया है। देखिए, 15 वर्षों से लगातार सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में तमाम प्रकार के वादों को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और कुछ एक घोषणाओं पर अमल करने का उन्होंने प्रयास किया। वो भी इसलिए कि लोकसभा के चुनाव थे और लोकसभा के चुनाव में उसका कुछ फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि ये चने का समर्थन मूल्य बहुत शीघ्र इसको बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का हमेशा से कथनी करने में अंतर रहता है कि हम कुछ ऐसी चीज करेंगे जनता उसमें भ्रमित होकर हमको वोट दे दे, बाकी के 4-5 साल फिर कहीं कोई विषय नहीं रहता है। हम तो जो भी किसान हैं जो चाहते हैं कि 4,700 रुपये उसका दर हो, बिल्कुल उनको अपनी मांग रखनी चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके मांग का पूरा समर्थन करती है और सरकार को हम बाध्य करेंगे कि आपने जो वादा किया है उस वादा को तत्काल पूरा करें। वही किसान और भाजपा के बयान के बाद कांग्रेस ने किसानों को साथ देने की बात पर भी जोर दिया है। कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहे सभी बातों को समय के अनुरूप ही पूरा करेंगी। भाजपा किसानों को बरगलाने की कोशिश में है, लेकिन किसान भी जानते हैं कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती भी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ बातें समयबद्ध तरीके से कही थी, जैसे धान का 2,500 रुपए मूल्य, किसानों की कर्ज माफी, लेकिन जिन बातों के लिए समय सीमा घोषित नहीं की गई थी उन्हें भी पूरा करने के लिए कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार पूरी ताकत से पूरी मेहनत से काम कर रही है। चना के समर्थन मूल्य को बढ़ाने जहां भाजपा किसानों का साथ दे रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने वादे को निभाने की बात भी कह रही है। बहरहाल अब किसानों का आंदोलन क्या रूप लेता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देश टीवी के लिए स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।